नहीं सुननी है मुझे तुम्हारी ये बकवास। रिद्धिमा की खुशियों में आग लगाकर तुम्हारा जी नहीं भरा, जो वीर को गलत सलाह देकर उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो तुम? ये क्या नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है? और ये आंसू, और वैसे भी मुझे तुझसे एक वादा चाहिए, इसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा। मैं वादा करता हूं दीदी आपसे। रिद्धिमा की खुशियों में आग लगाकर तुम्हारा जी नहीं भरा, जो वीर को गलत सलाह देकर उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो तुम? रूपमा बेटा, बद्री काका आइए ना। काका तू कैसी है बेटा? मैं अच्छी हूं, आप कैसे हैं? ठीक हूं बेटा, तेरी बहुत याद आती है। बस रात दिन भगवान से यही प्रार्थना है कि तू अपने नए घर संसार में खूब खुश रहे, खूब फूले फले। बेटा ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं, वो दिन बहुत जल्दी आएगा जब इस घर के सारे लोग तेरी कदर समझेंगे। वो दिन कब आएगा काका? कितने साल बीत गए इसी उम्मीद के सहारे जीते जीते। दिल छोटा मत कर बेटा, हिम्मत रख। चैतन्य का फोन होगा बेटा, उसे मेरा ढेर सारा प्यार देना और आशीर्वाद देना। ठीक है। हेलो। हाय स्वीटहार्ट, कैसी हो? आपकी आवाज सुन ली, खुश हूं। घर पे माहौल कैसा है? ये तो नहीं कहूंगी कि घर पर तनाव नहीं है, पर सब ठीक हो जाएगा। चैतन्य, नम्रता बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ही प्यारी। मुझे यकीन है वो सबका दिल जीत लेगी। वीर ने उससे शादी कर कोई गलत फैसला नहीं किया। तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? दुआ भी करती हूँ और उम्मीद भी। तुम्हारी दुआ में मेरी दुआ भी शामिल। अनु, कल मैं वहां आ रहा हूँ, मिल के सब कुछ संभाल लेंगे। आप नो टेंशन नो वरी। मेरी अनु सिर्फ मुस्कुराते हुए अच्छी लगती है, इसलिए सिर्फ मेरे बारे में सोचो, मुस्कुराओ और सो जाओ। ओके, गुड नाइट अनु। स्वीट ड्रीम्स। आई लव यू टू चैतन्य। Good night. तुम्हें पाकर तो मैं भी बहुत खुश हूँ चैतन्य। I really love you. And I really miss you. रही है हीरो का इतना कीमती हार पहन के किस तरह से ये चमक चलो इतरा रही है। पुत्र, ये हार इसके गले से उतरवा ले।
तो घर के हालात पता ही है, काम आएगा, समझ गए ना? जा जा। ठीक कह रही हो तुम, अब देखो। ए, रुको। बेशकीमती हार है, तेरे गले पे जरा भी नहीं जचता। तू उतारती है या फिर मैं खींच के उतार लूं? फिर कहना मत कि यहां लग गई वहां लग गई। मन नहीं कर रहा उतारने का? हाँ? उतार जल्दी, उतार। बेटा क्यों जिद कर रही हो बेटा? ये हार मुझ पर कहाँ जचेगा? तुम ये हार तुम रखो ना बेटा, तुम पर ज्यादा अच्छा लगेगा। माया, ये क्या हो रहा है? अब आप ही समझाइए ना, समझाइए इसे। अनुपमा ने इतने प्यार से डायमंड नेकलेस सेट दिया इसे और ये मुझे दे रही है। अब बस ये समझा रही हूँ कि तुम्हारी ननन ने इतने प्यार से तुम्हें तोहफा दिया है, मैं क्या करूंगी इसका? आप और हाँ माया, आज जो बात मैंने इस घर में की है उस बात को तुम अच्छी तरह से समझ जाओ, और बाहर से आकर इस घर में अपनी अमीरी दिखाने वालों को भी ये बात अच्छी तरह से समझा देना। जिसने हमें ये तोहफा दिया है उनसे कहो कि हमारे घर में आकर अपनी अमीरी का दिखावा ना करें। हमें ये तोहफा मंजूर नहीं है, और उनकी दी हुई कोई भी चीज मुझे इस घर में दिखाई नहीं देती। बेटा मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पापा की बातों से तुम्हारा दिल बहुत दुखा है, बहुत तकलीफ हुई है तुम्हें, और क्यों ना हो, उन्होंने बात ही कुछ ऐसी कर दी। बेटा तुम चिंता मत करो, बस ये हार मुझे दे दो, तुम्हारे पापा को मैं समझाऊंगी, और ये हार नम्रता ही पहनेगी। बेटा ये हार मुझे दे दो, तुम्हारे पापा को मैं समझा लूंगी सच्ची। सच मां? पापा मान जाएंगे? हाँ बेटा जरूर मान जाएंगे, मैं समझाऊंगी ना उन्हें।
बस तू उदास मत हो। अनुपमा, मुझे तुम्हारी कमजोर नफ्स पर हाथ रखना खूब आता है। बस तुम्हारे पापा का नाम लेकर मैं तुमसे कुछ भी करवा सकती हूं, करवाती रही हूं और करवाती रहूंगी। अरे माया की माया ना तो आज तक अनुपमा समझ पाई है और ना ही अनुपमा के पापा। राम राम राम। ना माया पुत्र, ये हार तो हीरो का है, सच्ची मुझे बड़ा ही महंगा होगा ना। हाँ माँ, महंगा तो बहुत होगा, मगर मुझे इस बात की खुशी है कि ये हार हमारे पास आ गया। ना वैसे माया पुत्र, एक बात कहूँ, जब से ये मनोज अनुपमा हमारे घर से गई है ना, भाई खाने का ना स्वाद खत्म हो गया। हाँ वैसा कर, 3-4 दिन के लिए आई मरी हुई है ना यहाँ पर, है जरा कुछ अचार मुरब्बे से बनवा ले। सच्ची मुची बड़े दिनों से मुंह फिक्का हुआ पड़ा है, वो खाने का स्वाद आ जाएगा ना। हो सब करवा लूंगी माँ, सब करवा लूंगी, तुम चिंता मत करो, बस मुझे थोड़ा सा नाटक करना पड़ेगा। अनुपमा बेटा, बेटा तुम्हारे पापा को फलाना 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 चीजें बहुत पसंद है, फिर देखना मिनटों में बना देगी। अरे बेटा, कितनी बार कहा है 2 दिन के लिए मायके आई हो, आराम कर ले। बजरी काका, ससुराल में भी तो आराम ही करती आई हूँ, आज आप मेरी बिल्कुल मदद नहीं करेंगे। ये कैसे हो सकता है? लेकिन मैं तो मदद कर सकती हूँ ना दीदी, मैं तो आपकी मदद कर सकती हूँ। नहीं नहीं नम्रता, तुम ये सब क्यों? दीदी बचपन में ही मम्मी गुजर गई और ये सब कभी सीखने का मौका ही नहीं मिला। आज कुछ सीखने का मौका मिल रहा है तो ना मत कहिए। अच्छा ठीक है, आओ आज मैं तुम्हें घर में सबकी पसंद और नापसंद के बारे में बता देती हूँ। अच्छा। सबसे पहले मैं तुम्हें वीर की पसंद बताती हूँ। माँ की पसंद, उसकी तो पसंद बिल्कुल। दीदी, दीदी इस घर के सभी लोग मुझे अपना तो लेंगे ना। बोलिए ना दीदी, बोलिए ना। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, आप क्या जवाब देंगे मुझे? आप तो खुद इतने सालों से अपने लिए इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाई होंगी, तो फिर आप मुझे क्या जवाब देंगे? नहीं नहीं, ऐसा क्यों सोचती हो? मेरा दिल कहता है सब अच्छा होगा, सब तुम्हें दिल से अपनाएंगे। जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, बहुत सी चीजें बनानी है। दीदी आपने मुझे भाभी कहा, मगर मैं तो आपसे छोटी हूँ ना। तो क्या हुआ, मैं आपको भाभी नहीं बुलाऊंगी तो और किसे बुलाऊंगी? जल्दी जल्दी खाइए। चलो अनुपमा दीदी और नम्रता को
इस घर में एक दूसरे में एक हमदर्द एक दोस्त तो मिला। हाँ सिरत, हाँ अनुपस, मैं निकल रहा हूँ। हाँ माँ, मैं अनु से मिलने जा रहा हूँ, अब वीर और बाकी सब से भी। तूने गलती से अपने बेटे की शादी एक ऐसी लड़की से कर दी जो जन्म से ही अशुभ है, जो जन्म से ही अशुभ है। चैतन्य रुको बेटे, अभी जाना जरूरी है बेटे। मेरा मतलब है इतनी रात हो गई है, मौसम भी खराब है, कल सुबह चले जाना। माँ मुंबई दूरी कितना है? मैं बस वहाँ पहुँचते आपको फोन कर दूंगा, थोड़ी देर में तो पहुँच जाऊँगा। बाय माँ। चैतन्य सुनो तो सही। हे देवी माँ, ये मुझे क्या हो गया है? शुभ अशुभ, अचानक इन बातों में मैं क्यों उलझने लगी हूँ? नहीं नहीं, ये गलत है, ये सोचना वहम है। देवी माँ, मेरे बेटे की रक्षा करना। अनुकाश ये रास्ता जल्द से जल्द कट जाए, बहुत मुश्किल था तुम्हारे बिना ये एक दिन बिताना। मैं आ रहा हूँ, बस तुम्हारे पास पहुँची। अरे साहब साहब साहब, महाबली में एक लड़की का तबीयत बहुत खराब है साहब, वो बहुत बीमार है साहब, उसको डॉक्टर के पास नहीं ले जाऊंगा तो वो मर जाएगी साहब। जी मैं साहब मदद कर दीजिए साहब, उसको आगे गांव में डॉक्टर रहते हुए तक छोड़ दीजिए साहब। साहब दया करिए साहब, सहायता करिए साहब, वो मर जाएगी साहब। चलिए साहब, चलिए छोड़ दीजिए साहब, चलिए ठीक है, साइड हुई चलिए सर। आई काका,
बहुत देर कर दी साहब आपने आने में। आज ऐसे इंतजार कर रही हूं जैसे बरसों के बाद मिल रही हूं। आपको क्या लगता है मैं पागल हूं? मैं आपसे कुछ कह रहा हूं ऐसे ही कह रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं मैंने खुद अपनी आंखों से अभी उसकी लाश देखी है यहां पर। नहीं साहब, मेरा कहने का मतलब यह है उस हवेली में कोई नहीं रहता साहब। ऐसा कैसे हो सकता है?